तो वैसे विद्यार्थी जो 2025 में एक इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि मैं इंटर में 2025 में एग्ज़ाम देने वाला हूँ। तो जो 2025 में एग्ज़ाम देने या फिर 2024 में जो भी छात्र फेल हो चुके हैं वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अगर दोबारा एग्ज़ाम देने वो भी इस वीडियो को कम्प्लीट देखें, और जो 2025 में इंटर का एग्ज़ाम देंगे पहली बार वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि 2000 जो भी 25 में एग्ज़ाम देंगे इंटर का, वो चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से, ठीक है, उन सभी का फॉर्म को कैसे भरना है, और अब जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे जो आप लोगों जो पहले का जो 2024 के हैं वो अगर 2025 में फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन सभी का फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे दिया गया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन अप्लीकेशन फॉर्म, तो ये 2023 का है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग को 2025 का फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे 25 लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहेगा। और जैसे कि यहाँ साइंस है तो आर्ट्स वाले का आर्ट्स रहेगा, कॉमर्स वाले का कॉमर्स रहेगा यहाँ पे। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा, थोड़ा सा वेट करिए उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को करना क्या, इसको भरना कैसे है, तो इसको भरने के लिए मैं आप लोग को बताऊँगा, तो आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है। इसके बाद मैं आप लोग को इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम और इसी वीडियो में सारा जानकारी देने वाला हूँ, जो भी 2024 में एग्ज़ाम दिए हुए थे 2025 में फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए। तो ये जो है ये फॉर्म आप लोग को रेगुलर स्टूडेंट के लिए है जो 2025 में इंटर का एग्ज़ाम देंगे। यहाँ पे स्कूल कॉलेज का कोड दे दीजिएगा, ये सब सारा कुछ आप लोग खुद से भर सकते हैं, नेम ऑफ प्लस टू स्कूल, ठीक है, स्कूल या कॉलेज जहाँ पढ़ते हैं वो सब भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सब तो आप लोग खुद कर सकते हैं। और ये यूनिक आईडी का बात करें तो यूनिक आईडी आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो कार्ड आएगा ना, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा, तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जिस दिन फॉर्म भराना स्टार्ट होगा उसी दिन ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा। आप लोग को क्या करना है, कॉलेज जाना है, ठीक है, कॉलेज में आप लोग को ऐसा जो आप लोग को कुछ मिलेगा उसी को आप लोग को भरना है। तो यहाँ पर यूनिक आईडी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आएगा ना उसी पर लिखा रहेगा आप लोग का यूनिक आईडी, ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप लोग उसी पर लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जो भी यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए डिफरेंशली अगर तो यही आप यानी कि विकलांग है अगर यस करिएगा, अगर विकलांग नहीं है तो नो करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके बाद विजुअली इम्पेयर्ड, इसमें आप लोग को नो टिक करना है, ठीक है ना, यानी कि आप अंधा है या नहीं है, ठीक है, वो भी यहाँ पर दिया गया है, इस पर नो टिक करना है। और उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना है, आधार नंबर यहाँ पर लिख देना है। चलिए मेन चीज़ आप लोग को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आप लोग अनमेरिड हैं तो यहाँ पे अनमेरिड लिखिएगा। अब यहाँ कैटेगरी में देखिए, कैटेगरी में रेगुलर यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, रेगुलर के लिए रेगुलर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब बता दीजिए कंपार्टमेंटल, एक्स रेगुलर, इम्प्रूवमेंट, क्वालिफाइंग, इस सब के लिए अलग के फॉर्म आता है, तो वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाता हूँ कैसा वो लोग को फॉर्म आता है और कहाँ से आप लोग डाउनलोड करिएगा। तो ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे आप लोग को कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क्स, यानी कि आप लोग को इसमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, इसमें से एक सब्जेक्ट। तो देखिए आप लोग अगर इसमें इंग्लिश टिक किए, ठीक है ना, तो आप लोग देखिए 100 मार्क्स का इंग्लिश और हिंदी होता है ना, तो इसमें इंग्लिश को टिक कर देना है। अगर इसमें इंग्लिश टिक कर दिए तो इसमें हिंदी टिक करिएगा, अगर आप लोग इसमें हिंदी टिक किए तो इसमें इंग्लिश, ठीक है, दोनों में सेम सब्जेक्ट टिक नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंग्लिश टिक कर दिए तो यहाँ हिंदी, अगर यहाँ पर इंग्लिश टिक कर दिए तो यहाँ पर हिंदी, ठीक है ना। अगर आपको इंग्लिश के साथ अगर उर्दू है, अगर आप लोग मुस्लिम छात्र हैं उर्दू है तो उर्दू टिक करिएगा, ठीक है, इसी प्रकार। उसके बाद आप लोग का जो भी सब्जेक्ट वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड में दिया रहेगा, फिजिक्स है आप लोग का केमिस्ट्री पे टिक कर दीजिएगा, अगर आप लोग बायोलॉजी रखें बायोलॉजी, अगर मैथ रखें तो मैथ, अगर दोनों रखें तो दोनों पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग को सब्जेक्ट जो है आप लोग को चुनना है। उसके बाद देखिए नीचे दिया गया है, यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ नहीं चूज़ करना है, ठीक है ना, यहाँ पे जो एडिशनल अगर कोई रख लेता है बहुत एडिशनल में तो वो सब को चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एड्रेस आप लोग दे दीजिएगा, यहाँ पे पेरेंट्स गार्जियन का साइन, स्टूडेंट का साइन, यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में, ठीक है, और इसी प्रकार आप लोग को फॉर्म भराएगा। तो रेगुलर जो स्टूडेंट जो पहली बार 2025 में इंटर का एग्ज़ाम देंगे उन लोगों को 1430 रुपये आप लोग रखिएगा एग्ज़ाम फॉर्म को भरते समय, ठीक है, स्कूल कॉलेज में ही आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा। अब बात करते हैं कि जो 2024 में फेल हो चुके थे यानी कि 2025 में दोबारा एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी का कैसा फॉर्म रहेगा। और जो भी छात्र यहाँ पे 2025 में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना,
यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे आर्ट्स, अगर आर्ट्स सब्जेक्ट है आपका तो आर्ट्स यहाँ पे लिखा है, आर्ट्स वाला फॉर्म लेना है आपको। अगर आपका साइंस है साइंस यहाँ लिखा रहेगा, या कॉमर्स है तो कॉमर्स लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबका सेम ही फॉर्म रहता है, बस यहाँ पे आर्ट्स साइंस कॉमर्स अलग रहता है। तो आप लोग का यहाँ पे सेशन यहाँ लिखा रहेगा 2025, ठीक है, जो इस बार का फॉर्म रिलीज होगा बिहार बोर्ड करेगा, ठीक है। अभी मैं आप लोग, लेकिन फॉर्म जो है सेम ही रहता है, बस साल यहाँ चेंज हो जाता है और यहाँ पे सेशन अलग हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फॉर्म जो आप लोग को एक्स रेगुलर कंपार्टमेंटल इम्प्रूवमेंट क्वालिफाइंग कैटेगरी ये सब के लिए ये फॉर्म भराएगा, ठीक है ना। तो वो फॉर्म को आप लोग को जो 2025 में पहली बार एग्जाम देंगे उसके लिए मैंने बता दिया। अब ये जो फॉर्म है ये देखिए इन सब कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यही फॉर्म आप लोग को मिलेगा, इसी प्रकार का फॉर्म आप लोग को कॉलेज में मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है देखिए, हाँ तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को एक फ़ोटो लगेगा, तो फोटो आप लोग यहाँ पे चिपका दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है और ईयर लिख देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर ईयर, उसका यूनिक आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर पे जो यूनिक आईडी रहेगा वो लिख देना है, क्योंकि आप लोग के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ही, पहले एग्जाम दिए हैं। तो कैटेगरी यहाँ पे लिख देना है, कैटेगरी में एक्स रेगुलर है यानी कि 2025 में फिर से एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर 2024 में फेल हुए थे वो भी, अगर कोई भी सब्जेक्ट का एक सिर्फ एग्ज़ाम देने वाले, तो इम्प्रूवमेंट दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस टू कोड, स्कूल नेम या कॉलेज नेम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब तो लिख ही दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए जो भी आप लोग को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डिफरेंशियली एबल्ड का मतलब कि विकलांग है कि नहीं है, नो एज पे क्लिक, जो जिस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा, ठीक है ना, नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए रोल कोड, रोल नंबर लिखना है, जो आप लोग पिछला साल जो एग्ज़ाम दिए होंगे ना अगर पहले, उसका रोल कोड, रोल नंबर और पासिंग ईयर लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एरिया वेयर द इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, यानी कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ का एरिया का देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला गया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यही सब देना है, आपका बैंक बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, ये सब सब कुछ देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो दो आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, यानी कि आप मतलब कि पहचानने के लिए पहचान चिन्ह, ठीक है, अगर आपका गाल उल पे, नाक पे कहीं भी तिल है तो उसका जो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, इसी प्रकार। उसके बाद कौन सा मीडियम में एग्ज़ाम देंगे, हिंदी मीडियम कि इंग्लिश मीडियम, यहाँ सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे आप लोग को सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना है, ठीक है ना। अगर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी सब्जेक्ट सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर सबका एग्ज़ाम देना है सब सब्जेक्ट का तो आप लोग सारा सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिएगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हिंदी, अगर यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करें तो यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना कि कौन सा आप लोग का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है कि क्या है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप लोग को दिया गया है कि कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद यहाँ पे दे दिया गया है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर प्रिंसिपल का होगा, ठीक है, इसी प्रकार का फॉर्म आएगा। अब बात करते हैं इसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार का फॉर्म को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो भरने तो मैंने सिखा ही दिया, क्योंकि आप लोग खुद से आप भर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना हिंट मिल गया होगा, ठीक है। अब इसका भी डेट जो आप लोग का सेप्टेम्बर में आ जाएगा एग्जाम फॉर्म भरने का, और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी साथ में आएगा। अब इसको इसका जो है कहाँ पे आप लोग को फॉर्म डाउनलोड करने मिलेगा, तो नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आना है क्रोम पर। तो आप लोग का आना है क्रोम पर, जब सर्च करना है स्टडी सिलेबस, देखिए इसी को सर्च करिएगा तो इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को होम पे आके मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस पर आने के बाद आप लोग को यहाँ पे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है डाउनलोड करने के लिए फॉर्म को, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी लिंक, जो मैट्रिक इंटर का फॉर्म अप्लाई वाला है ना, कोई भी लिंक, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई डॉक्यूमेंट फीस की डिटेल्स, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हैं, इसी प्रकार जो आप लोग को देखिए 1430 रुपया रेगुलर के लिए लगेगा, और जो इम्प्रूवमेंट भरना वाले हैं उन लोगों के लिए 1700 लगेगा। 1700 आप लोग रखिएगा, 1700 में काम बन जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्त को शेयर करिएगा, अपने दोस्त को सब जो आप लोग शेयर करके वीडियो को उसको भी बता दीजिएगा, अगर जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और नीचे कमेंट में अपना डाउट बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।